বাংলাদেশে তোমাকে স্বাগতম। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बांग्लादेश। मेरी फ्लाइट है 9:25 पे विद स्पाइस जेट दिल्ली टू ढाका वाया कोलकाता। सो लेट्स गो। मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ और चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी हो गया है। अब चलते हैं प्लाजा फिल्म लॉन्च पे, जो कि मेरे पास मास्टर कार्ड का एक्सेस है, और ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट फ्लाइट बोर्डिंग की तरफ। सो यहाँ पे टर्मिनल 1D पे अगर आप देखें तो ये पूरा टर्मिनल 1D है, और ये है प्लाजा प्रीमियम लाउंज। तो यहाँ पे अपन अभी चलते हैं। तो ये आ गया हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट हो गया है। नाउ दिस इज द बोर्डिंग टाइम, और बोर्डिंग करने के लिए अपन अभी गेट पे जा रहे हैं। तो तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, और यहां से मेरी फ़्लाइट है ढाका के लिए, क्योंकि तकरीबन 45 से 50 मिनट का टाइम लगी मुझे ढाका पहुंचाने में, और स्पाइस जेट का है। लेकिन एक फ़नी चीज़ बताता आप लोग को, एक्चुअली जब मैं इमिग्रेशन पे गया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि तुम बांग्लादेश क्यों जाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि घूमने जा रहा हूँ। उसने बोला कोई रिलेटिव है क्या आपका वहाँ पे, या तो आपको कोई फ्रेंड है क्या वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई रिलेटिव फ्रेंड नहीं है, लेकिन बस मैं ऐसे घूमने जाता था। और उसके बाद फिर उसने मेरा पूरा पासपोर्ट चेक किया, सारी ट्रैवल हिस्ट्री देखी। उसके बाद बोला कि यार डोंट माइंड, बट आप जॉब कहाँ करते हो। मैंने बताया मैं एक MNC के लिए जॉब करता हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा। फिर थोड़ी बाद फिर अपने सिस्टम पर देखने के बाद फिर मुझसे पूछता है कि एक्चुअली मैं इसलिए कंसर्न था क्योंकि लोग बांग्लादेश इंडिया से टूरिज़म के लिए नहीं जाते हैं। वहाँ पे लोग रिलेटिव रहते हैं और उनका कुछ इवेंट रहता है तो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई घूमने नहीं आता। एक महीने में तकरीबन मैंने कहते पहली बार तो देखा कि टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं कुछ जानता इस लैंड को, और ऐसा हो सकता है बिकॉज लाइक मुझे जाना है। जब तक आप कोई कंट्री विजिट नहीं करोगे तब तक जानोगे नहीं आपके यार वो कंट्री है कैसा। तो इसलिए फिर मुझे इस बांग्लादेश जाना है। तो उसने बोला कि हाँ श्योर। फिर उसके बाद उसने टाइम लगा दिया और फिर आ गया। सो काफ़ी वो था, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर मैं जब भी किसी कंट्री ट्रैवल किया हूँ तो कभी मेरे को इमिग्रेशन ने इतना क्वेश्चन नहीं किया है। बांग्लादेश को लेकर जरूर क्वेश्चन बोले थे। सो ऑल सेट, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। Till the day we die.
ढाका पहुंच चुका हूं, और अभी मेरे एक काउच सर्फिंग फ्रेंड है करीम, जो कि ढाका में रहते हैं, मेरे से काउच सर्फिंग रोहन, सुन करने के नहीं मैं रोहन, तो इनसे मेरी काउच सर्फिंग में बात हुई थी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यहाँ ढाका में, तो इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि मैं इनके साथ स्टे करूँ 2 दिन के लिए ढाका में। तो ये मेरी जो भी फ्लाइट था, हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा था, और ये मुझे एयरपोर्ट तक लेने आए हैं, तो मैं आप लोग को मिलाता हूँ। हाय, इनका नाम रोहन है। रोहन, yeah, and Hemant is a nice guy. You already had some conversation, so yeah, I just think came here to pick him up, and so we'll have a lot of fun for the next 48 hours. Every country is a beautiful country. That was the perception I have came here to change. Because Bangladesh Asia का सबसे कम prefer करने वाला देश है, जो कि tourist नहीं आते हैं यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं यहाँ पे आना चाहिए, और आपको भी समझ में आया कि ये देश कैसा है, ना कि हम मीडिया और ब्लॉग को पढ़ करके हम उस पर जजमेंट दें, क्योंकि यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, शहर भी अच्छा है, जैसे इंडिया में सिचुएशन है वैसे यहाँ पे भी सिचुएशन है, ये कह सकते हैं इंडिया इज़ फार बेटर इस टाइम पे, लेकिन बांग्लादेश इज़ ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेल। तो इसलिए यहाँ का यंगस्टर इस टाइम पे बहुत पैशनेट है, सेम एज इन इंडिया, लोग वैसे ही काम करते हैं जैसे वहाँ पे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सारी इंडियन कंपनीज की गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसे, मतलब बहुत अमेजिंग, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर के, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हाँ कुछ डरने वाली बात हो, या तो ये सेफ नहीं है ये कंट्री, यहाँ आना नहीं चाहिए, सब मतलब एक आम देश की तरह जैसे हमारे शहरों में होती है, वैसे यहाँ पे भी कहते हैं लाइफ स्टाइल है। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ ढाका, और अभी मैं रोहन के अपार्टमेंट में हूँ, और ये पर्टिकुलर जगह तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास होगी ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और ये पूरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है। सो मैं आपको एक होम टूर देता हूँ, प्रोबेबली लाइक अभी बस यहाँ पे रोहन ही रहते हैं, लेकिन अभी वो अभी ऑफिस में गए हैं, तो मैं अपना रूम दिखाता हूँ जो उन्होंने मुझे रूम ऑफर किया है, और जो उनका लिविंग स्पेस है। सो ये उनका बुक शेल्फ है, और इस तरह से ये उनका लिविंग रूम है, ये डाइनिंग, एक रूम ये है, एक रूम वो है, और मैं जाऊँगा तो ये रूम मेरा। और ये बालकनी, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये है मेरा रूम, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नहीं कहा जाए तो बहुत अच्छा है, और ये मुझे रोहन ने ऑफर किया था यहाँ पे रहने के लिए, तो थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग मी दी स्टे हियर। बस आज अभी तक का तो सफ़र ये रहा, शाम को थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ शाम को क्या करेंगे, अभी कुछ प्लान कर रहा हूँ। एक काउच सर्फर और मैं मिला हूँ, जो कि ढाका यूनिवर्सिटी के हैं, और एक ट्रैवल यूट्यूबर भी हैं बांग्लादेश से, जिनका नाम है शिशिर देव, तो उनसे भी मिलने का है, पर मैं देखता हूँ उनसे मैं कब मिलूँगा, कल मिलूँगा या आज मिलूँगा, आपको देख सकता हूँ। This place is called Nazira Bazar of Puran Dhaka,
that this is the most happening place of Puran Dhaka in the night time. So, अभी मैं पुराने ढाका में हूँ, जो कि वेरी फेमस है ट्रेडिशनल फूड के लिए, जो जैसे हमारे पुराने दिल्ली में होता है उसी तरह से, कहते पुराने ढाका में जिस तरह से जो खाना मिलता है और उस तरह से जो लोकल लोग अपना बिरयानी कबाब जो इंजॉय करने आते हैं, तो वो आपको जो लोकल टेस्ट है वो इस पर्टिकुलर जगह पर मिलेगा। तो मैं जस्ट सामने खड़ा हूँ, ये जो कबाब स्टोर है मेरे पीछे, ये बहुत फेमस है ढाका के अंदर, और जस्ट मेरे इस साइड पे कहते हैं एक चाय की और जूस की शॉप है जो कि बहुत फेमस है। तो और ये एक पान की दुकान भी है, अगर आपको पान खाना है तो आप पान खा सकते। तो ये एक एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अभी यहाँ पे हम लोग नाइट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ बांग्लादेशी लोग का है यहाँ पे आकर के खाना खाने का और वीकेंड्स और अपना डे एंजॉय करने का।